नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपन को स्वागत करूछि मु स्मृति लग्ना दर्शक बंधु जेभले भाव रे आपन जानिछंती राज्य रे कोरोना संक्रमितन को संख्या बढी चली छि आधार रे शेष 24 घंटा रे रिपोर्ट कहूछि नंबर रहिछि 6998 माने पाखा पाखी 7000 गतकाली राज्य रे कोरोना आक्रांतन को संख्या 8000 अतिक्रांत करथिला तबे मोटामोटी भाव रे कहबा को गले गोटे सप्ताह पाखा पाखी एलानी संक्रमितक संख्या बढ़ी चली कोरोना ग्राफ अपवर्ड्स चली जहाँ को राज्य सरकार चिंतार सुंदरगढ़ में प्रत्येक दिन खबर सामना को आसुची जे संक्रमितक संख्या बढ़ी आज अपडेट हो 400 अतिक्रांत कर सुंदरगढ़ में संक्रमितक संख्या 474 शेष 24 घंटे पॉजिट चिन्हट होती बाबद अधिक सूचना आम रिपोर्टर पाखक जा सगर जोड़ी होती आम सहित सगर झारसुगुड़ सुंदरगढ़ कथा कहतु बा पश्चिम ओडिशा रे अनेक जगह देखा मिलूँ जे संक्रमितों संख्या बढ़ी चली गोटेपटे छत्तीसगढ़ में संक्रमितों संख्या बढ़ी आपण सीमांत चेकिंग को केमती देखुं जो मैंने बाहर राज्य आसुचान क्षेत्र में जदि आप देखिए आरटीपीसीआर टेस्ट कंपलसरी कर सीधासळख कारण कहुची छत्तीसगढ़ को कारण छत्तीसगढ़ सीमा जो जिला गुड़ी को लगिक रही जिला गुड़िक कोरोना आक्रांत संख्या बढ़ुची तो कौटी ना कौटी प्रश्न उठू जो छत्तीसगढ़ लोक गला बाट देकि ओडिशा बॉर्डर को क्रॉस करके पलि कोरोना आक्रांत संख्या बढ़ुची तो जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर रही कि भाव चेकिंग कर मुख्य रास्ता गुड़िक वर्तमान चेकिंग चली आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नथिले सेमान को सीमा क्रॉस करने दि जाऊना किंतु जो गला बाट रही गाँ गहली जो चली आस रोक पार कोरोना फर्स्ट वेव आसीथिला बा प्रथम लहर आसीथिला समान अवस्था देखिबा को मिलेथिला सीमांत रे तो चेकिंग करा जायथिला किंतु जो प्रवासी माने फेरुथिले निज निज भिटा माटी को फेरुथिले बा जो माने कामरे भी आसुथिले से माने गळा बाट दे आसुथिले एवं वर्तमान परिस्थिति रे जदि ए कथा को नियंत्रण करा न जिवो आगामी दिन रे स्थिति भयंकर हेबो एवं विशेषज्ञ माने मध्ये कहउछंती मे बेळकु पीक रे रहिबो कोरोना एवं ओडिशा रे केवल ए संख्या 10000 रु 12000 अतिक्रांत करि पारे जहां निश्चित भाव रे चिंताजनक विषय तो प्रशासन रा तत्परता किमिति देखुचंती ए जो गळा बाट दे लोक माने आसुचंती कडाकडी चेकिंग करा जाउचि तो निश्चित भाव एक बड़ प्रश्न कहीं किसी लोक आसचंती छत्तीसगढ़ रु सुंदरगढ़ अंचल को ओडिशा रे अन्यान्य अंचल को आसचंती एवं सेमाने संक्रमण को आहुरी बढ़ाउचंती किंतु सेमान को रोकिया पदक्षेप नि अथच लक्ष लक्ष लोक सटडाउन सटडाउन रहिबाकु पड़ुची एवं सेमान को लकडाउन रहा कि सफर हाबाकु पड़ुची लकडाउन किंतु जहाँ किछिटा लोक को जदि रोक जाय पारंता संक्रमण अनेक मात्रा रे कमी जानता एवं सुंदरगढ़ रे जदि आज कथा कहबी सबुठ बड़ निष्पत्ति वर्तमान बड़गाम ब्लक सरपंच संघ नहीं 9 दिन बड़गाम को संपूर्ण भाव में लॉकडाउन करने निष्पत्ति नहीं कारण कह प्रवासी ओडिया माने जहाँ की बड़गाम ब्लक टी दादन श्रमिक बहुत अन्य अत्र जाते हैं वर्तमान फेर को आड़गाम ब्लक ब्लक रे अनेक मात्रा रे वर्तमान कोरोना रोगी चिन्हट एवं जहाँ की बड़गाम ब्लक सरपंच संघ वर्तमान लिखित आकार रे तत्परता नुह सागर साधारण लोक माने मध्य सचेतन हबार आवश्यकता अछि सेते पर्यंत प्रशासन किछि करि परबो नाही जेतेबेले पर्यंत आमे आम दायित्व निज हाथ को नबा नाही एवं आम स्वास्थ्य आमर प्राथमिक दायित्व हेबा दरकार मु आसिबे आपनक पाकु कविता वर्तमान भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि कविता स्वाई अछंती कविता जदि आमे कहिबा तो मार्केट बिल्डिंग को सील करा जायछि 48 घंटा पई एथि पई सील कला बीएमसी कारण कटकणा मानु नथुले किछि अमान्यांक पई बाध्य होई एभले को पदक्षेप ग्रहण करिया को पड़ला आपण मध्ये आज सकाळे अनेक हाट बजार बुलिछंती स्थिति परखिछंती कोन देखुछंती वास्तविक भाबरे लोक माने मास्क परिधान करुछंती ना सामाजिक दूरतार जो गुरुत्व रहिछि ताकु अनुभव करुछंती कोन स्थिति रहुछि ग्राउंड रो
ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା ଯଦି କହିବା କି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ଯଦି ଗତକାଲି କହିବା 8000 କ୍ରସ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ଆଜିର ରିପୋର୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ 6998 ଆଜି ବାହାରିଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛନ୍ତି 919। ଯଦି କହିବା କି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କଥା ବି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଉଛି, କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଯଦି କହିବା କାଲି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, କ୍ଷମା କରିବେ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ଜୋନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ହାଟ ବଜାର ବୁଲୁଥିଲୁ, 4 ନମ୍ବର ହାଟ କଥା ଯଦି କହିବା ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ସତର୍କ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ରୁମାଲ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁଠି ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସେଠି ରୁମାଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରୁମାଲ ଖସିଗଲେ କହୁଛନ୍ତି କି କାମ କରୁ କରୁ ଖସିଯାଇଛି। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବେଫିକର ଭାବରେ ବୁଲିବା ବା କଥା ଯୁକ୍ତି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ କି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ସେଠି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁର ତଳକୁ ରହିଛି ମାସ୍କ, ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହିଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନାହିଁ କି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ନାକ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିକି ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ସେସବୁ ନାହିଁ କି ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜେ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ କଡ଼କଡ଼ି କରି କିନ୍ତୁ ମାସ୍କକୁ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ପିନ୍ଧିବା କଥା ଯେମିତି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏକଦମ ନାକ ପାଟି କଭର କରିବାର ଅଛି, ତା ସହିତ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କିଭଳି ଭାବରେ 6 ଫୁଟର ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏସବୁ କଥାକୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା କେବଳ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ନ ହେଉ, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ଏକ ସଚେତନତା ହେଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଭଳି ଆମେ ତାକୁ ପରିଧାନ କରିବା ଏବଂ କାହିଁକି ପରିଧାନ କରିବା ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ପାଖାପାଖି ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାକ ତଳେ ମାସ୍କ ଅଛି, ତେବେ ସେ ମାସ୍କ ପରିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁଠି ବି ଯେମିତି ବି ରହୁଛେ ନା କାହିଁକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଘରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କି ଘରେ ରହିଲା ମଧ୍ୟ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିବାର ମଧ୍ୟ ଶୈଳୀ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ନାକ ତଳକୁ ପିନ୍ଧିବା ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ଲାଭ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ମୁହଁ ପାଟି ଆଉ ନାକ କଭର ହେବା ଦରକାର, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କେହି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଆମେ ନିୟମ ମାନୁଛୁ ବା ଆମଠୁ ଓକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁନାହିଁ ତେବେ ଅଯଥାରେ ବାହାରେ ଗହଳି କରିବା ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ସଭା ସମାବେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ସେ ଜାଗାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ କାମ ଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସହିତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସହିତ ଆମେ ଆମର କାମକୁ ପୁରା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଭଳି ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟ ଦେଇକି ମଣିଷ ଜାତି ବା ମାନବ ଜାତି ଗତି କରୁଛି ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଉପକୃତ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ତେବେ ପୁରା ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରହୁଛି ବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ 900 ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ଏ ସଂଖ୍ୟା, ଏବଂ ତାପରେ କଟକ ରହିଛି, ତାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରହିଛି। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ବଢ଼ୁଛି ଯାହା 300 ଉପରେ ରହିଛି ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 300 ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଓଗଡ଼ରେ 74 ରହିଛି, ବୌଦ୍ଧରେ 65, ଢେଙ୍କାନାଳ 22, ଗଜପତି 121 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତାଙ୍କ ପାଖକୁ। କବିତା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଉ ଏକ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୋଧେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଏ ଆଶଙ୍କାକୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତି?
निहाते भाबरे जदि कहिबा कि जे मु आशंका रहिछि कि गोष्ठी संक्रमण होइछि बोली जदि लोक माने ही सचेतन होबार अछि काहेकि ना हम जीवन जीविका सहित जड़ित हो जाइछि मास आमे पिंधिबा दरकार सब बेले जदि सेभली भाबरे जेमभली भाबरे पिंधिबा कथा जे उपाय रे पिंधिबा कथा लोक माने ताकु मानु नहंती आ जदि कहिबा संक्रमण संख्या मध्य भुवनेश्वर रे बढ़िबा लागिछि सेथिपय प्रशासन कड़ा निष्पत्ति नेउछि बा जदि कहिपारिबा कि जेमती सील करिबा जोठी गहली जनगहलीपूर्ण स्थान रहिछि ताकु जदि कोविड नियम मानु नहंती ताले सील करिबार व्यवस्था करा जाउछि काली जेमती बापूजी नगर फूड जोन कथा हो बा मार्केट बिल्डिंग सब किछि सील कराइछि 48 घंटा पई आउ आज मध्य अनेक जगह चढ़ाऊ होबार संभावना रही कि प्रशासन आहरी किसी जमती कि जो कटक मानु ना लोक मैंने साधारण लोक मैंने मानु नापर से चढ़ाव बोली जहाँ संभावना रही है आदि कह कि जनगहलीपूर्ण स्थान हो रेलवे स्टेशन हो हाट बजार हो लोक मैंने से बेफिकर भाग में बुलूं आ मुहरें मस्क रोनी जदि रोचे तेल नाक तलू रोचे थोबणी रोचे जदि कहीपर कि यही मास्क पिंधार मूल्य ही किसी ना कहीं जो कौन डबल मास्क पिंधापी लोक जदि यही भाव में पिंधे तेल तार मूल्य किसी रहा सहित संक्रमण संख्या बढ़ुची प्रथम लहर द्वितीय लहर अधिक नाइट कर्फ्यू विभिन्न जगह रात्र कालीन कर्फ्यू को जो मैंने विरोध करोध में कार्यानुष्ठान हो प्रत्येक जगह नाइट कर्फ्यू रो गुरुत्व को अनुभव करुछंती तो उभय साधारण लोक एवं प्रशासन देखो दो, नाइट कर्फ्यू तो करा जाउछि जो 9टा पर जो नाइट कर्फ्यू करा जाउछि जदि कहिबा कि दिन रे जदि लोक माने बेफिकर भाव में बुलिबे बा जहाँ अत्यावश्यक सामग्री जहाँ रही नापी गहली करिबे ताहले राति रे जो 9टा पर जो नाइट कर्फ्यू करा जाउछि तार मूल्य किसी ना ता सहित जो कटकणा करा जाउछि नाइट कर्फ्यू को मानु नहंती अनेक लोक भावुछंती कि नाइट कर्फ्यू रे कौन हेउछि ताकु जाई कि आमे देखि देकि आसुबो एमिति अनेक लोक आसुछंती एवं जहाँ जो आईडी प्रूफ रखी रखा जाए जदि आईडी प्रूफ जे देख पारे कार्यानुषान नि दंड रखा जाए कह कि अनेक अमानिया बाहर जो मैंने कि कौन हो देखापी अनेक लोक घर बाहर की पलि आसम नियम को मानु ना दिन में कड़ाकड़ी कराता तेल संक्रमण टी रोक लगता बोली आम कहीपर कहीं दिन रे जदि अनेक लोक बाहर बुलिबे अनेक लोक चाहिबी कविता युधिष्ठिर पटेल नुआपड़ा प्रतिनिधि वर्तमान जोड़ी होइछंती युधिष्ठिर नुआपड़ा रे स्थिति कोन कहूची लोकमान को भितरे सचेतनता एवं कोरोना कहर को किभळी देखुछंती देखंतु स्मृति लग्ना नुआपड़ा जिला संपूर्ण एबे पूरा रेड जोन रे अछि आ आज जदि कथा कहबा आज 420 आक्रांत संख्या स्वास्थ्य विभाग तरफ रु जहाँ सूचना मिली तो गत काली जदिओ 200 आम जब कहीपर टेस्टिंग संख्या कमी जाइला जहाँफल 233 आसी जहाँ सूचना मिली तो जिलावासी मन गोटे प्रश्न उंकी मारा जमी नुआपड़ा जेहतु हटस्पट अच्छी छत्तीसगढ़ सीमार लगिक रही सब 400-500 नुआपड़ा जिले में सबुले देखा दे गत काली 233 फिगर जो आसी समस्ते चकित होते नुआपड़ा का कमीगला कितु सेमती किसी नुह स्मृति लग्ना जेहतु टेस्टिंग कमी दि जाइए टेस्टिंग कमी देवा फल गत काली फिगर कमी जाइए आज जदि कह आज पुणी 420 नुआपड़ा जिले में आक्रांत संख्या देखा देखिए जिला प्रशासन तीन गोटी एनएससी को संपूर्ण सटडाउन कर खड़ियाल रोड और नुआपड़ा को सहित नाइट कर्फ्यू जारी रही विभिन्न नुआपड़ा और छत्तीसगढ़ सीमांत बोर्डर चेकपोस्ट करिकिनिखी कर तनखी कर सहित जो मानक आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखापुर हिं छाड़बार व्यवस्था कर तो गोटे प्रकार मझे जहाँ आम पाखर को जहाँ अभियोग आसूला जो नुआपड़ा जिले में अक्सीजेन अभाव हो मृत्यु संख्या दिनक दिन बढ़िबार जहाँ सूचना मिलता मुझे गोटे सूचना देवाक चाहिए स्मृति लग्न नुआपड़ा जिले में बर्तमान सुधा द्वितीय लहर कथा जदि आम कह 79 मानने 89 लोक बर्तमान प्राण हर सारे कोरोना नहीं कि जिले में गोटे आतंक खेली जाइए जे पूर्व लहर अपेक्षा एथर प्राण नहीं जाऊँगी कोरोना आउ जदि पॉजिटिव जिते बाहर भी जदि जीवन नहीं जाऊँगी तो या कि समस्त भयभीत अच्छा दु गोटी हस्पिटाल जो खोल जाइए लोक मैंने स्वत प्रवृत्त भाव में आसवा टेस्टिंग जो जगह टेस्टिंग
समस्त प्रकार आनुषंगिक व्यवस्था रहिबा ए कथा को आपण केमिति देखंथि नुआपडा रे ना देखंतु गत किछि दिन तले तो अव्यवस्था देखा दैथिला टेस्टिंग किट नथिला लोके जाउथिले फेरी आसुथिले जो लोक मानकु 5 दिन 7 दिन हेलाणी जरो हेउथिला किंबा किछि लक्षण देखा जाउथिला से लोक माने भी टेस्ट हेबा को जाउथिले किंतु टेस्टिंग किट अभाव रु से माने फेरी आसुथिले तो निश्चित भाव रे अव्यवस्था तो अछि स्मृति लग्न टेस्टिंग किट कु नै कि हो किंबा हॉस्पिटल कथा कु नै कि तो एठी जिल्ला प्रशासन एबेठु पुणी तत्पर हेबार आवश्यकता रहिछि नहले पुणी छत्तीसगढ़ भलिया परिस्थिति नुआपड़ा मध्य हो जिवो दिनकु दिन जो आक्रांतक संख्या बढ़िबा संगे संगे मृत्यु संख्या बढ़ी चली छि एहा नुआपड़ा जिल्ला पई एक शुभ खबर नहो किंतु नुआपड़ा रे बेड संख्या कथा कहंतु बा जदि कोरोना रोगी हॉस्पिटलाइज होउछंती सेमानक पई केते व्यवस्था रहिछि केते सुविधा रहिछि से विषय रे आपण कथा होइथिले कि जिल्लापालक सहित बा अनेक प्रशासनिक अधिकारीक सहित हॉस्पिटल खोला जाइछि गोटे हॉस्पिटल खड़ियाल रे अछि जोटा 50 शय्या विशिष्ट आउ गोटे हॉस्पिटल अछि नुआपड़ा स्थित जो पूर्वरु कार्यक्षम होतिला सेठी 165 शय्या विशिष्ट गोटे हॉस्पिटल अछि जोटी 5 गोटी आईसीयू अछि एवं ता सहित जिला प्रशासन जहा सूचना देइछंती जे जदि समय आसिबो आमे टीएमसी मध्ये आरंभ करबा ता सहित क्लस्टर टीएमसी मध्ये आरंभ करबा से माने योजना करिछंती ता सहित नुआपड़ा जिला रे कंट्रोल रूम खोला जाइछि जो माने आक्रांत अछंती से मानकु फोन करिकि फॉलोअप करा जाउछि कि से मानकर स्थिति कोन अछि से माने वर्तमान को तांकर कोन असुविधा होछि बोले जिल्ला प्रशासन तत्पर अछि ता सहित पुलिस प्रशासन मध्ये नुआपड़ा एवं छत्तीसगढ़ सीमांत रे पहरा देछि टेंट लगे कि बसछि चेक पोस्ट करिकि बसछि एवं सेठी तीन तनखी करूछि बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना पाई युधिष्ठिर रही थे नुआपड़ आम प्रतिनिधि सागर रही थे राउरकेलूँ से भाई भाव में कविता भुवनेश्वर रही थे लगातार भाव में आम कोरोनार स्थित को लेकिन आलोचना करूँ संख्या बढ़ी चली राज्य में संक्रमित संख्या बढ़ी चली आग को यह पिक लेवल पहुँचवी कहुची तो वर्तमान परिस्थिति रे स्वास्थ्य सेवे जो कौन अवहेला न हो लोक माने कौन से समस्या सम्मुखीन न हूँ एवं मृत्यु संख्या राज्य में सीमित रहु बढ़ी न जाऊ ये आलोकपात करिबार आवश्यकता अच्छी एवं गाइडलाइन कहुची राज्य सरकार आज कि नुआ गाइडलाइन आनी पारंती एवं आज प्रेस ब्रीफिंग जिते रही संध्या समय आमर मध्य नजर रण कौन नुआ स्टेप निया जाउची एवं राज्य रे जो संख्या बढ़ी चली जहाँ लगातार भाव में 6000 उपर रही गत काली तो रेकर्ड संख्यक रही 8000 उपर रही कोरोना संक्रमित संख्या यह क्षेत्र में साधारण लोक मान कह कथा जे जदि साधारण लोक मैंने कटक मानुंट जदि साधारण लोक मान गाइडलाइन रोचे फाइन आदाय करे प्रशासन से दिगरे गुरुत्व दे नेता मंत्री मैंने प्रत्येक जगार सामाजिक दूरता अवलंबन करेंगे सभा समिति प्रचार उपरे रोक लगिबो ए सबु कथा उपरे मध्य साधारण लोक पूर्वरु प्रतिक्रिया रखिछंती एवं नियम समस्तक पई एक कथा कहिछंती तो मिली मिसी मुकाबला कले सहयोगिता भितिरे समन्वय भितिरे मुकाबला कले निश्चित भावरे कोरोना हारिबो ए आशा आमे रखिबा समय होछि बिग ब्रेकिंग को एट रखिबा मते विदा दियंतु नमस्कार।